जिला थाना प्रभारी विद्या वारिधि तिवारी ने बताया कि रविंद्र सोनी मैदानी में निखिल ज्वेलर्स नाम से दुकान संचालित करता है। दावा है कि गुरुवार की रात दीपावली की पूजा अर्चना कर शटर बंद करने के बाद वह घर चले गए थे। शुक्रवार की सुबह मोहल्ले के लोगों के माध्यम से पता चला कि दुकान का ताला टूटा है। चोरी की आशंका को देखते हुए सराफा व्यापारी दुकान पहुँचे तो काउंटर से आभूषण गायब थे। ऐसे में तुरंत पुलिस को जानकारी दी। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे रीवा सिटी न्यूज चैनल में।